हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक फ्यूटेक का सीआरटी टीवी जिसमें लो वोल्टेज का इसका जो दोनों साइड का रास्टर है वो थोड़ा थोड़ा कट रहा है, एक इंच। तो इस प्रॉब्लम किस प्रकार फिक्स करेंगे आज इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, 110 वोल्ट लाइन पर आप चेक करें, यहाँ पर 7.9 वोल्ट मिल रहा है। ओके, इस जगह पर 180 वोल्ट से डबल दूसरे वाले पॉइंट से 180 वोल्ट की सप्लाई हासिल होना चाहिए जो कि हमारी 132 वोल्ट है। तो ये भी सप्लाई, और ये हमारी 18 वोल्ट जो सप्लाई है हमारी वर्टिकल की है, और यहाँ पर 26 होना चाहिए जो 18 है। यहाँ पर देखिए रेगुलेटर सेक्शन पर यहाँ पर 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर 8 वोल्ट है। यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए जो ये लास्ट का सबसे डायोड है, लास्ट वाला एकदम यहाँ पर जहाँ पर मैंने प्रॉपर लगा रखा है। यहाँ पर 12.1 मिल रहा है। ओके, तो एचटी के 4 नंबर पिन पर आप यहाँ पर ये जंपर देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो कि हमारा यहाँ पर 110 वोल्ट लाइन पर 17.9। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे ये ग्रीन कलर का जो प्रीसेट लगा हुआ, ये प्रीसेट है। तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी डिब्बी मैंने निकाल दी, इसके बाद मैंने प्रीसेट को भी बाहर कर दिया है। यहाँ पर प्रीसेट का नंबर आप देखेंगे 2.5 लिखा हुआ है, 2045 लिखा हुआ है। तो इसका और मेरे पास 202 मतलब ये 2K का प्रीसेट है, मेरे पास 202 नंबर का प्रीसेट है। तो इस जगह पर प्रीसेट को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर देखें कि मैं फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही हाथ से वीडियो बनाना होता तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें। तो यहाँ पर मैंने कोई जगह फिक्स कर दिया है, अब मैं इसको शोल्डर भी कर दूँगा। इस जगह पर मैंने शोल्डर कर दिया है, और मल्टीमीटर के रेड वाली प्रॉप को मैंने फिक्स कर दिया है। इस जगह पर मल्टीमीटर पर आपको वोल्टेज शो होंगे। मैं मेन लाइन से अभी सप्लाई दे देता हूँ जो कि अभी फ्यूज लाइन से हम सप्लाई दे चुके हैं। तो यहाँ पर 17 है, अभी आप चेक, मैं आपको यहाँ पर ये फिक्स तो कर दिया हूँ, 17.6 वोल्ट मिल रहा, मतलब 76 वोल्ट मिल रहा जो कि 110 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये वाले प्रीसेट से हम क्या करेंगे, पेचकस ले लेंगे कोई भी स्क्रू ड्राइवर से, हम इसको हल्का हल्का रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 110 वोल्ट पर लाकर आपको इसको छोड़ देना होगा, और यहाँ पर 19, यहाँ पर देखें 110, ये देखिए 100। तो अभी हमारा फेज लैंप इसलिए ग्लो हो रहा है क्योंकि लोड आ रहा है इस पर। तो अभी इसको मेन लाइन से मैं सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मैं मेन लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने मेन लाइन से कनेक्ट किया। अभी यहाँ पर वोल्टेज देखें, यहाँ पर आपको 113 वोल्ट के लगभग मिल रहे हैं जो कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 111। अब मैं इस प्रॉप को छुड़ा लूँगा, उसके बाद यहाँ पर सही वोल्टेज को आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इसका रास्टर देखिए जो एक एक इंच है, दोनों साइड से हमारे पिक्चर कट रही थी, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। और ये हमारा ऊपर का रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम है, तो इसके हमारे जो हमारे हल्का सा 3 लाइन आ रहा है, ये मैं आपको फॉल्ट बता देता हूँ। वैसे वर्टिकल नंबर आईसी के 3 नंबर और 5 नंबर के बीच में लगा हुआ एक कैपेसिटर होता है जो कि 50 वोल्ट 1 UF का कैपेसिटर होता है, उसको चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये अब मैं इसका वोल्टेज आपको मेजरमेंट करने जा रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको वोल्टेज को ध्यान देना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करता हूँ। जहाँ पर आपको 17.9 मिल रहा था, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आपको 110 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होने लगे। सबसे फर्स्ट वाले पर 110 वोल्ट, 111, जस्ट उसके बगल में सप्लाई 185। ओके, इस जगह पर 26 से 27, तो यहाँ पर आपको 25.8 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, इस जगह पर आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको 8 वोल्ट की सप्लाई मिली चुकी है, यहाँ पर 12 वोल्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको 15 वोल्ट तो अभी लोड नहीं स्पीक करने लगा, इसलिए यहाँ पर 17 वोल्ट दिखा रहा, यहाँ पर 17.3 वोल्ट दिखा रहा, मतलब मेरा जो सभी प्रॉब्लम है सॉल्व।